और अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 7 संभागों में अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल की निचली बस्तियों में रखी जा रही निगरानी। एमपी के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। एमपी में अभी तक सामान्य से 13% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 7 संभागों में यह अलर्ट जारी किया गया। भोपाल की निचली बस्तियों में निगरानी रखी जा रही है। एमपी के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी में अभी तक सामान्य से 13% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। गरियाबंद में गांव में घुसा भालू, खाने के सामान के लिए तोड़े दरवाजे। फिंगेश्वर इलाके के जमाही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन अमले ने भालू को लेकर अलर्ट किया। भालू को लेकर ग्रामीण दहशत में है। और ये देखिए, इलाके में मुनादी करवा दी गई है कि कोई भी घर से बाहर देर रात अकेले ना निकले। जंगली जानवर इलाके में घूम रहा है। भालू की दहशत इलाके में बनी हुई है। और अब मुरैना से खबर है, जहां अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। अवैध हथियारों की तस्करी गैंग का खुलासा किया गया। तस्करी गैंग के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 पिस्टल और 36 जिंदा कारतूस भी जब्त हुए हैं। कार से करते थे अवैध हथियारों की तस्करी। पकड़े गए आरोपियों में एक जिला बदर भी सुमावली इलाके में थी हथियार खपाने की तैयारी। और मुरैना का ये पूरा मामला है, जहां पर हथियार की तस्करी करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया। सीधी में पकड़ा गया बांग्लादेशी मुस्लिम, पुलिस ने ढाबे से की गिरफ्तारी। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी है। आईबी की टीम और पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। जमुई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बांग्लादेशी के पास वीजा पासपोर्ट नहीं मिला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीधी से, जहां बांग्लादेशी मुस्लिम पुलिस ने ढाबे से इसे गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए शख्स से पूछताछ की जा रही है। तो आईबी की टीम और पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। जमुई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। बांग्लादेशी के पास वीजा पासपोर्ट नहीं मिला। नीमच में नदी में गिरने से बची बस दुधवा नदी में गिरती बस बची है। कंजाड़ा के पास ही बड़ा हादसा टला, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान कर रहे हैं और पुलियों ऊपर से पानी बह रहा है। उस दौरान जो भारी वाहन है वो भी हादसे का शिकार होते होते बच रहे हैं। कंजाड़ा की दुधवा पुलिया पर बस नीचे उतर गई है, तो इसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चित्तौड़ की बस है मुंदड़ा और एक टायर इनका आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर में नशेड़ी बदमाशों का आतंक जारी है। पुलिस को मुखबिरी करना युवक को पड़ा महंगा, तो वहीं बदमाशों ने युवक की डंडों से पिटाई कर दी। गुलजार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। वीडियो सामने आया जहां लोगों ने बदमाशों को भगाकर बचाई युवक की जान। और जूनी इंदौर पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। तो बदमाशों ने युवक की डंडों से जमकर पिटाई की। जूनी इंदौर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी आइडेंटिफिकेशन जूनी इंदौर ग्रुप में हुई, जिसमें गुलजार नगर का अली फरियादी समझ में आया, जिसके साथ मारपीट हुई है डंडे से। ये आसपास के रहने वाले हैं और आपस में परिचित हैं, और जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तब इसकी रिपोर्ट लिखाई गई, तो रिपोर्ट मारपीट की तरह रिपोर्ट लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां ग्वालियर की मुरार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहत 2 बच्चों को बरामद कर लिया है। अपहरण के इस मामले में पुलिस ने एक किन्नर सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कनेक्शन मानव तस्करी वाले गिरोह से होने की आशंका है, और ऐसे में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2 व्यक्ति जो एक महिला और पुरुष थे, और 3 लोग जो इसमें बच्चों को इन्होंने खरीदा था। अब इनके बीच में क्या डील हुई है, बच्चों को किस माध्यम से क्या करने वाले थे, इसको हमने विवेचना में रखा हुआ है, और जो भी चीज़ें विवेचना में आई उनको आगे विवेचना।
आगे बढ़ेंगे जहां सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इनामी महिला समेत 3 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। जगरगुंडा थाने इलाके में नक्सली सक्रिय थे। जिला बल DRG CRPF की संयुक्त कार्रवाई, पूछताछ के बाद जेल भेजे गए नक्सली। बड़ी जानकारी है सुकमा से जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनामी महिला समेत 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं कोंडागांव में एकलव्य विद्यालय के छात्र ने फांसी लगा ली। 12वीं की छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। सुसाइड की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोंडागांव से, जहां एकलव्य विद्यालय के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं अभनपुर में न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है। खाद्य विभाग ने गैस सिलेंडरों को जांच के लिए किया था और इस दौरान आप देखिए कि जांच की गई है। जांच के दौरान कई सारी खामियां पाई गई हैं और विभाग की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी है। नवापारा में गैस सिलेंडरों से निकल रहा था पानी और गैस सिलेंडरों में लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार, निरीक्षक श्रद्धा चौहान जांच में जुट गई है। न्यूज 18 प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जहां गैस सिलेंडर में पानी निकलने की खबर मिल रही थी। उपभोक्ताओं के पास रखे गैस सिलेंडरों में जांच के लिए लैब भेजा गया। उपभोक्ता कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नवापारा शहर और न जाने कितने गैस सिलेंडर में इस तरीके से पानी भरा होगा। LPG सिलेंडर से गैस निकलती है, लेकिन जरा इधर देखिए, सिलेंडर से पानी की धार निकल रही है। ऐसा लग रहा है मानो सिलेंडर पानी की टंकी हो गया। ये तस्वीरें अभनपुर के गोबरा नवापारा की है। यहाँ पर ग्राहकों को सप्लाई किए जाने वाले LPG सिलेंडर से पानी निकल रहा है। उपभोक्ता गुस्से में हैं, क्योंकि वे पैसे तो गैस के दे रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस की जगह पानी मिल रहा है। नाराज उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। गैस सिलेंडर से पानी निकलने की खबर को जब न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया तो उपभोक्ता अब जागरूक हो रहे हैं और एक के बाद जो है सिलेंडरों से पानी निकलने का मामला सामने आ रहा है और अब उपभोक्ता मोर्चा खोल दिए है। देखिए, गैस सिलेंडर है और यहाँ से कैसे पानी निकलते है आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये कोई नल नहीं है, ये सील्ड पैक सिलेंडर है और गैस खत्म हो गई है तो देखिए क्या निकल रहा है। ये पानी निकल रहा है नल की तरह पानी, और ये सोचने वाली बात है और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। गैस के सिलेंडर से पानी निकल रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी पर छापेमारी की थी। इस दौरान सिलेंडर में से 8 से 9 किलो पानी मिला, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो खाद्य विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए उग्र आंदोलन के। हम लोग जागरूक है, एजेंसी खत्म किया जाए या तो फिर हम लोग धरना कलेक्ट्रेट में और पूरा जहां देना है वहां बिल्कुल देंगे। अधिकारी जब पहुंचे थे तो 7 से 8 किलो 9 किलो तक पानी मिला है, लेकिन अब गरीबों से लूटा। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना निकाला है, जिसका गलत फायदा गैस एजेंसी द्वारा उठाया जा रहा है, जो गरीबों के लिए निकाला गया। आखिर ये गड़बड़ झाला कर कौन रहा है? LPG सिलेंडर में पानी भर कौन रहा है? उपभोक्ताओं की तो जेब कट रही है और इसीलिए लोग नाराज हैं और आंदोलन की बात कह रहे हैं। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि प्लांट से सील्ड पैक गैस आता है, ठीक है, ड्राइवर या फिर ट्रांसपोर्टर अगर इसमें गड़बड़ी कर रहे हो तो क्या पता, लेकिन कौन गड़बड़ी कर रहा है, कौन धांधली कर रहा है और उपभोक्ताओं का जेब काट रहा है, ये सवाल जो है आप उपभोक्ता उठा रहे हैं कि गैस सिलेंडर से ना गैस निकल रहा है बल्कि
बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा है जो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के जो साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके जेब पर डाका डाल रहा है। लेकिन कौन डाल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। न्यूज 18 के लिए नवापारा राजिम से शेख इमरान। और अब आगे बढ़ेंगे जहां मुंगेली में जोरदार बारिश के बाद जिले से होकर बहने वाली सभी नदी नाले उफान पर है और इसी बीच कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनता नदी नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कारी डोंगरी इलाके में, जहां मनियारी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और मनियारी के इस जर्जर पुल को लोग पार कर रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है। बारिश के बाद कोरबा की मिनी माता बांगो बांध 95% भर गया है। बांगो बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। 30,230 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 3 साल बाद बांध का गेट खुला है और इस बात की संभावना है कि बांध के गेट और भी खोले जा सकते हैं। गेट खोलने के बाद इसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान लोग सेल्फी लेते नजर आए। हसदेव दर्री बराज के भी 3 गेट खोल दिए गए हैं। 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो देखिए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि कोरबा में 3 साल बाद जो बांध है उसके गेट खोले गए हैं और ये 5 गेट खोले जाने की प्रक्रिया पूरी हुई है। जानकारी ये भी कि अगर और बारिश होती है तो और भी गेट खोले जा सकते हैं। फिलहाल 6 गेट खोले गए हैं बांगो बांध के और इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये दृश्य पूरा होता है। हालांकि आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन इलाकों में मुनादी करवा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।